सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मंगल दोष क्या होता है और लाल किताब के अनुसार किस प्रकार से सामान्य उपाय करके आप मंगल दोष को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि मंगल दोष होता क्या है। अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठा है तो इसे मंगल दोष कहते हैं। विवाह के लिए मंगल दोष का होना अशुभ है। लाल किताब के अनुसार दो प्रकार के मंगल बताए गए, एक है मंगलवत और दूसरा है मंगलनेक। मंगलवत जो है वो बुरा होता है, मंगलनेक अच्छा होता है। मंगलवत अगर किसी जातक का है तो मंगल उसका बुरा करने का प्रयास करता है, अगर मंगलनेक है तो उसका अच्छा होता है। जो इंसान मंगलवत होते हैं ऐसे व्यक्ति अक्सर क्रोधी, जिद्दी एवं अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। जितने मंगलनेक हैं ऐसे व्यक्ति ज्यादातर समझदार, साहसी और उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। ज्योतिष विद्याओं की मान्यताओं के अनुसार 28 वर्ष के बाद मंगल दोष स्वतः यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। ज्योतिष विद्या के अनुसार अगर किसी को मंगल दोष है तो उसका विवाह किसी मांगलिक व्यक्ति से ही करवाना चाहिए तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अगर केंद्र में चंद्र है तो मंगल दोष नहीं लगता, मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अगर किसी लड़की को मंगल दोष है तो उसका विवाह अगर आप किसी ऐसे जातक के साथ करते हैं जिसका शनि भारी है तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर लड़के का शनि भारी है या तो लड़की का शनि भारी है, लड़के को मंगल दोष है तो भी आप विवाह कर सकते हैं, इसमें मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। लेकिन लाल किताब के अनुसार मंगल दोष जिसको है उसका विवाह भारी शनि के साथ नहीं होना चाहिए, लाल किताब की अलग मान्यता है। लेकिन ज़्यादातर अगर ज्योतिषीय विद्या के अनुसार हम देखें तो मांगलिक व्यक्ति का विवाह आप जिसका शनि भारी है उसके साथ करवा सकते हैं। मैं आपको 5 उपाय बता रहा हूँ जिससे मंगल दोष समाप्त होता है, सारे सामान्य उपाय है, सभी का वर्णन लाल किताब में किया गया है। सबसे पहला उपाय कि मंगल का असर लाल किताब के अनुसार आंखों और खून पे होता है। इसके लिए लाल किताब में लिखा गया है कि आंखों में सफ़ेद सुरमा लगाना चाहिए और अपना पेट हमेशा साफ रखें। सफ़ेद सुरमा अगर नहीं मिलता तो आप काला सुरमा भी लगा सकते हैं। तो हर मंगलवार को और हर शनिवार को जिसको भी मंगल दोष है उसको अपने आंखों में सुरमा लगाना चाहिए और ऐसा 43 डेज तक यानी कि 43 दिनों तक करना चाहिए, इससे मंगल दोष स्वतः समाप्त होता है। दूसरा उपाय लाल किताब में बताया गया है, लाल किताब के अनुसार आपका जो भाई है वो मंगल का प्रतीक है। भाई जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सगा हो या सौतेला हो, भाई का अर्थ होता है मंगल। लाल किताब के अनुसार आपका भाई ही आपका मंगल है। अगर आपके रिश्ते आपके भाई के साथ अच्छे नहीं हैं, भाई के साथ दुश्मनी है तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। तो भाई अगर बड़ा है तो उसके साथ मुंह चोरी ना करे और छोटा है तो उसको गलतियों के लिए क्षमा कर दे। अगर आपको मंगल दोष है और भाई का आप अपमान करते हैं तो इसका दोष ज़्यादा प्रभावी रहता है। ये दूसरा उपाय बताया गया लाल किताब में। तीसरा उपाय है कि मंगल दोष की, मंगल की तो दिशा है उसके अनुसार आपको कुछ करना है। आपके घर के दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाए। अगर नीम का पेड़ आप नहीं लगा सकते तो हर मंगलवार को किसी भी नीम के पेड़ की जड़ में आप जल चढ़ा के आए, ऐसा करने से भी मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। एक और उपाय है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को हर 2 माह में एक बार चोला चढ़ाए, ऐसा करने से भी मंगल दोष समाप्त होता है। हनुमान जी की शरण लेने से सिर्फ मंगल भी नहीं, शनि, राहु, केतु इनके दोष भी आसानी से समाप्त होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी का शरण लेने से और हर शनिवार को और मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष दिया, सरसों के तेल का दिया या तो फिर आप धूप बत्ती अवश्य करें, इतना करेंगे तो भी काफ़ी है, इससे भी मंगल दोष आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा।
आखिरी एक उपाय बताया गया लाल किताब में कि जिसको मंगल दोष है उसको कभी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कभी कभार आप करते हो तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मंगल दोष है आप मांस का सेवन करते हैं तो अच्छा नहीं है, इससे मंगल दोष ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो मांस अगर खाते हैं तो उसको खाना छोड़ दे, जब भी घर से निकले गुड़ खाकर निकले। गुड़ खाने से आपका लोही यानी कि लहू भी शुद्ध होता है, तो मंगल से जुड़ी समस्या ऐसे ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। हनुमान जी को आप गुड़ और चने का भोग हर शनिवार और मंगलवार को लगाएंगे और उनकी यथाशक्ति पूजा करेंगे तो मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। विवाह में आने वाली जितनी भी बाधाएं है सारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे उपाय हैं जो लाल किताब में बताए गए हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।